नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हिंदू धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका मतलब है पितरों के प्रति श्रद्धा भाव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देह त्याग करने के बाद हमारे पुरखे परलोक सिधार जाते हैं और उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ तर्पण किया जाता है, उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीवात्मा को मुक्ति प्रदान कर देते हैं, ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। श्राद्ध कर्म एवं पिंडदान करने से पितृ अति प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों के आशीर्वाद से घर परिवार में धन दौलत, सुख सुविधा, मान सम्मान और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों तक का समय श्राद्ध पक्ष कहलाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्वजों के आत्मा की शांति और उनके तर्पण के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण रहता है, जिसमें मनुष्य स्वाध्याय करके, ऋषि ऋण से यज्ञ करके, देव ऋण से और श्राद्ध तर्पण करके पितृ ऋण से मुक्त होता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। श्राद्ध में पितरों का तर्पण करने के लिए तेल, जल, चावल, कुश, गंगा जल आदि का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान तुलसी और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और सूर्य देवता को सूर्योदय के समय अर्घ जरूर दें। पितरों को याद करने, तर्पण एवं श्राद्ध करने के लिए 15 दिन का समय तय किया गया है। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा और अश्विन माह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होते हैं। इस साल पितृपक्ष दिनांक 20 सितंबर पूर्णिमा से शुरू होकर 6 अक्टूबर विसर्जन तक चलेगा। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।